नमस्कार दोस्तों, हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इस बार हम आपके लिए जो निबंध लेकर आएंगे वो बिल्कुल एक रिसेंट टॉपिक पर लेकर आएंगे, और साथ साथ यहाँ पर आपको मतलब कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट में भी दिखाएंगे कि जब आप पेपर में लिखेंगे तो आपको किस प्रकार से निबंध लिखना है, जो शब्द हैं उनमें कितना डिस्टेंस होना चाहिए, उनका आकार कैसा होना चाहिए, दो वाक्यों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, और मतलब इसका प्रारूप क्या होगा बेसिकली। कि जैसे अगर आपका एक अनुच्छेद खत्म होता है, एक आपका पैराग्राफ खत्म होता है, तो दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कैसे करना है। स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा डाउट रहता है कि मैम जो सब हेडिंग्स हैं वो लिखनी है या नहीं लिखनी है, और इस प्रकार के अन्य बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स थे जो हम यहाँ पर आज आपके मतलब क्लियर कर देंगे। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप सभी जानते हैं कि निबंध में कहीं ना कहीं आपको एक विषय ऐसा जरूर आता है जो भारत के विकास से संबंधित होता है। तो इसीलिए आज हम आपके लिए जो विषय लाए हैं वो भी वही है, विकास पथ पर भारत। तो चलिए, मैं ये आशा करती हूँ कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो लाभदायक है वो सिद्ध होगा। तो मैं ये जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा मतलब की कोशिश कीजिएगा कि अपने एंड पर भी अगर आपको लगता है कि कुछ आपके मन में नए विचार हैं तो इसमें आप जरूर ऐड कीजिए। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि ये वाला जो निबंध है हमारा, ये करीबन करीबन 1000 शब्द का है, 1000 शब्दों का। लेकिन अब जैसे आपको परीक्षा में एक शब्द सीमा दी होती है कि आपको 600 शब्दों में लिखना है, आपको 500 शब्दों में लिखना है, या आपको 800 शब्दों में लिखना है, ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का है वो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको ये देखना है कि अगर 1000 शब्द ये इतने में आ रहे हैं, तो बाई चांस अगर आपको 600 शब्दों में आ जाता है बाई चांस निबंध लिखना, तो इसमें से आप कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो काट सकते हैं, या कुछ जो बड़ी चीज़ें हैं उन्हें शॉर्ट में एक पंक्ति में लिख सकते हैं, 4 पंक्तियों को, और वो भी सब चीज़ें हम आपको अभी बताएंगे। तो चलिए फिर इस अद्भुत यात्रा का आनंद लीजिए, निबंध की यात्रा का। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि जो हमने स्टार्टिंग की है वो हमने बिल्कुल साधारण तरीके से की है, कोई भी हमने सब हेडिंग नहीं लिखी है। इस बात का आपको बार बार ध्यान रखना है। देखिए, अब आप जिस स्तर पर आ गए हैं ना, वहां पर मतलब अगर आप सब हेडिंग्स लिखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दूसरे को हम कुछ मतलब कम समझदार समझ रहे हैं, और आपका जो लेखन है वो औपचारिक रूप मतलब रूप में होना चाहिए, एक फॉर्मल वे में। तो आपको जैसे आपका जो पैराग्राफ है वो देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स अब आप एक नए विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ आप ये भी देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पर एक पैराग्राफ खत्म हुआ, ये सपना देखने लगे हैं, उसके बाद यहाँ पर ये जो गैप है ये छोड़कर यहाँ से ही हमने दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ मध्य से स्टार्ट किया है। तो ये जो एक अलाइनमेंट है कि सारा मतलब एक ही मतलब सीरीज में, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, औपचारिक लगती है, फॉर्मल वे लगता है राइटिंग का, आंसर राइटिंग का। तो इस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो ये तो हुआ एक फॉर्मेट। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि आपके जो शब्द हैं वो क्लियर होने चाहिए, कटिंग, देखिए ये तो जस्ट हम आपके लिए लिखकर ले आए तो आपको लगेगा कि मैम ये तो बहुत आसान लग रहा है आपके लिए, लेकिन पेपर में जब एकदम से हमें लिखना होता है तो बहुत सारे मन में विचार आ रहे होते हैं, कुछ हम लिखते हैं कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो बाद में लगता है अरे ये भी लिख सकते थे। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हो सकता है देखिए कटिंग हो बीच में, लेकिन कोशिश कीजिए कटिंग जितनी कम से कम हो। और उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे एंड में अगर आपके पास कोई रफ पेज है तो वहाँ पे आप लिख लीजिए कि ये 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 4 टॉपिक हैं जिन्हें मुझे कवर करना है, मन में आपने ये सोचा, और चाहे पेपर में अगर रफ वर्क के लिए पेज है तो वहाँ पे लिख लीजिए। फिर उसे प्रायोरिटाइज कीजिए कि जैसे है विकास पथ पर भारत, ये है आपका विषय, तो इसे फिर आपने जैसे कि पॉइंट सोचे आपने कि सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देनी है कि आज भारत की स्थिति क्या है, और मेन चीज आपको निबंध में हमेशा जो मैं कहती हूँ सकारात्मकता दिखानी है, आशावादी सोच, कि आप ऑप्टिमिस्टिक है नेचर में, कि आप भारत के भविष्य के बारे में और अच्छा सोच रहे हैं। मेन बात यह है कि जैसे नो डाउट देश में अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, अनेक समस्याएं हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि समस्याएं हैं, सरकार उसके लिए काम भी कर रही है, मतलब देश में उसके लिए काम हो रहे हैं। और आपको किसी पर्टिकुलर सरकार का नाम नहीं लेना है, ये मैंने हर बार कहा है, कभी भी आपको किसी भी स्पेसिफिक सरकार के बारे में किसी विशेष व्यक्ति का नाम ना लेते हुए जहां पर संवेदनशील मुद्दा है, जहां पर आप सकारात्मक बात कर रहे हैं वहां पर लिख दीजिए किसी व्यक्ति का नाम, कि जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, उन्होंने क्रिकेट में कितने महान कीर्तिमान स्थापित किए हैं, धोनी हैं, उनकी जैसी कप्तानी बल्लेबाजी, मतलब वैसा कप्तान देश को कभी मिल नहीं सकता, तब आप नाम लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ पे स्पेशली पॉलिटिक्स की बात आ जाती है, राजनीति की, वहाँ पर प्रयास कीजिए कि कोई स्पेसिफिक नेम लेने से बचें आप। कोई विशेष नाम अगर आप लेंगे तो फिर वहाँ से आपकी जजमेंट स्टार्ट हो जाती है,
लोग आपको जज करना स्टार्ट कर देते हैं, इवन एग्जामिनर भी, कि ये इस पार्टी का समर्थक है तो ये नीतियाँ, मतलब वो चीज़ आपसे जुड़ जाती है फिर। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। और फिर जो मैं यहाँ पर कह रही थी कि जैसे आपने पॉइंट सोच लिए, तो आपने देखा कि हम भारत में बताएंगे कि उसने शिक्षा क्षेत्र में क्या किया, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या किया, रक्षा के क्षेत्र में क्या विकास मतलब किया है, और उसको प्रायोरिटाइज करना कि पहले चिकित्सा की बात करें या पहले रक्षा की बात करें। तो वो चीज़ें भी आपको मतलब यहाँ पे पॉइंट पहले ये लिखना है, फिर तीसरे नंबर पर ये लिखना है, ये वाला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट जो सोचा था वो दूसरे नंबर पर लेकर आना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही सोच लेनी है। अब आते हैं निबंध पर। यहाँ पर हम आपको जो मतलब जानकारी है, बहुत सारी जानकारी देंगे, और मैंने फिर बताया ये आपका 1000 शब्दों के करीब है, लेकिन कोशिश आपको ये करनी है कि जितनी शब्द सीमा दी जाए उसके अकॉर्डिंगली आप जो वाक्य हैं, जैसे 3 वाक्यों को 1 वाक्य में कर दीजिए, कुछ चीज़ें जो हमने ज़्यादा विस्तृत करके लिखी हुई हैं आप उसको संक्षेप में लिख दीजिए। और यहाँ पर एक और चीज़ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम ये वर्ड्स काउंट कैसे करें। तो देखिए जनरली मतलब कि जो वर्ड काउंटिंग का तरीका होता है, टीचर्स क्या करते हैं, जैसे कि पहली पंक्ति है कि यहाँ पे 1, इसे 2 मान लिया, चलिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो उन्होंने ये माना कि आपका जो पहली पंक्ति है उसमें 9 शब्द हैं और आपके जो ये रोज हैं ये कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करते करते मतलब वो गिन लेते हैं कि कितनी लाइंस हैं, और उसको फिर मल्टीप्लाई करके कि अगर आपकी बाई चांस ये कितनी 40 लाइनें हैं, 40 आपकी पंक्तियां हैं और पहली पंक्ति में 9 शब्द हैं, तो 9 × 36 360 वर्ड हो गए वो, 360 शब्द। तो ये मतलब एक अनुमान लगाया जाता है। और कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि अगर 600 शब्द हैं तो पूरे 600 शब्द ही होने चाहिए, थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उस शब्द सीमा के अंतर्गत में रहना है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बस। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी हैं। अब हम आते हैं विकास पथ पर भारत की जो जानकारी है कि उसे हमने कैसे लिखा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप निबंध लिखते हैं सीधे सीधे आपको ये नहीं स्टार्ट कर देना कि विकास पथ पर भारत है तो उसकी स्टार्टिंग आप यहाँ से करें, भारत आज विकसित देशों में गिना जाने लगा है, या भारत विकासशील से विकसित देश बनता जा रहा है, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से विकास किया है, और ये सब पहले एक मंच तैयार कीजिए, एक अच्छी सी जानकारी, एक उत्साहपूर्ण जानकारी से प्रारंभ कीजिए, उत्साहपूर्ण शब्दों से। जैसे देखिए इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, हो सकता है कि कुछ शब्द छिप जाए बीच में, लेकिन मैंने आपको फॉर्मेट में काम करना है। जैसे कि 15 अगस्त 1947 को सैकड़ों वर्षों के दमन, अत्याचार, शोषण और पराधीनता के कुरूप पंख से, पंख मतलब होता है कीचड़, और यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका जो शब्द भंडार है, वोकैबुलरी है हिंदी की, वो भी धीरे धीरे बढ़ती रहनी चाहिए। तो पराधीनता के कुरूप पंख से एक पंकज प्रस्फुटित हुआ, पंख से पंकज, तो इस प्रकार से आपने लिखा तो ये थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग लगता है, एक मोटिवेटिंग लगता है, और मतलब एग्जामिनर को भी इसमें इंटरेस्ट आता है। तो पराधीनता के कुरूप पंख से एक पंकज प्रस्फुटित हुआ था स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र और स्वाभिमान से गर्वोन्नत भारत, कि गर्व जमा उन्नत, गर्व से उन्नत भारत जिसमें गर्व भरा हुआ था, विश्व भर के स्वाधीनता संग्रामों की आशाओं का आकाश दीप भारत, तब से आज तक हमारा भारत निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है, आज हमारे राजनेता भारत को शीघ्र ही महाशक्ति बनाने का सपना देखने लगे हैं। तो ये हमने जो है प्रारंभ किया है इसका, कि कैसे मतलब एक पंख से पंकज प्रस्फुटित हुआ था, कि कीचड़ में एक कमल खिला था, उस प्रकार से आप कह सकते हैं। और खैर आजकल की राजनीति ऐसी हो गई है कि हर चीज़ में लोगों को कुछ मतलब स्पेसिफिक नज़र आ ही जाता है, लेकिन आप इस प्रकार से मतलब कह सकते हैं कि जहाँ पे इतनी बुरी परिस्थितियों में भी एक जैसे नया दीपक जला था, आप वो कह सकते हैं कि घने अंधेरे के बाद एक रोशनी की किरण निकली थी और वहीं से एक नए सूरज का उदय हुआ था, और उस सूरज का नाम था भारत, आप ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देखिए, कभी देश को बाहर से अन्न का आयात करना पड़ता था, आज हरित क्रांति के बल पर हम अनाज निर्यात करने की स्थिति में आ गए हैं, आयात से निर्यात करने की स्थिति में आ गए हैं। तो सबसे पहले जो हमारी मूल आवश्यकताएं थी हमने उसको प्राथमिकता दी है, कि जब देश के विकास की बात हो रही है तो एक देश का विकास कब माना जाता है, जब उसकी जनता के, उस देश की जनता के पास रहने के लिए मकान हो, खाने के लिए खाना हो, पहनने के लिए वस्त्र हो। तो हमने वहीं से प्रारंभ किया है, वहीं से आरंभ किया है कि कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, विकास हुए हैं, वस्त्रों का निर्यात भी हो रहा है, भवन निर्माण, सड़क निर्माण की सामग्री तो देश में पूर्णता उपलब्ध है ही, साथ ही यह निर्माण कार्य भी बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ रहा है, कॉलोनियों का अबाध विस्तार हो रहा है, अबाध अर्थात बिना किसी बाधा के,
कृषि क्षेत्र में लगभग सभी आधुनिक उपकरण और तकनीक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे कम से कम समय में अधिक अन्न का उत्पादन हो सके और देशवासियों की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। चिकित्सा के क्षेत्र में अब सबसे पहले हमने अन्न जल उसकी बात की, फिर हम आए चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, ठीक है ना। तो वो देखिए, और यहाँ पर अब आपको बिल्कुल जो रिसेंट न्यूज है वो भी चीजें इसमें इंक्लूड करनी है। जैसे कि अगर आप भारत के विकास की बात करेंगे कि पहले जो देश है उसे बाहरी मदद की सहायता पड़ती थी, अभी इराक में इतना बड़ा भूकंप आया तो सबसे पहले भारत ने, मतलब उसकी जो विदेश नीति है अब वो इतनी अच्छी हो चुकी है कि किस प्रकार से उसने इराक की उसी वक्त मतलब सहायता के लिए लोग भेजे, ठीक है ना, अपने चिकित्सक भेजे, इतना सारा अन्न जल आदि भेजा, चिकित्सा की मतलब कि उपकरण भेजे, तो बहुत सारी चीजें, सहायता भेजी, राशि भेजी, तो वो सब चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर देखिए अब चिकित्सा का, और चिकित्सा में सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज आएगी, कोरोना महामारी। और कोरोना महामारी से जोड़कर आप कितनी सारी चीजें लिख सकते हैं, जैसे वैक्सीन। तो ये देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वास्थ्य केंद्र तथा चिकित्सालयों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अनेक जटिल और असाध्य रोगों की चिकित्सा अब देश में उपलब्ध है। बहुत से क्षेत्रों में एम्स के केंद्रों का उद्घाटन हो चुका है। एम्स के केंद्र माने जाते हैं कि वहां पे मतलब सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एम्स खोले जा रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भारत का वर्चस्व इस बात से और अधिक स्पष्ट हो गया कि जब समस्त विश्व कोरोना की चपेट में था, तब इतनी अधिक आबादी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साथ साथ, अब यहां पे आप हर चीज बता रहे हैं कि भारत की आबादी कितनी सारी है, तो उसकी आवश्यकताओं को तो पूर्ण किया ही, साथ साथ भारत ही वह राष्ट्र था जिसने इस महामारी की वैक्सीन सबसे पहले सफलतापूर्वक तैयार कर, ये देखिए, ना केवल भारत ही में वितरित की अपितु पूरे विश्व को भी दी और एक बड़ी समस्या से निकलने का मार्ग प्रशस्त किया। देखिए, अब हमने ये नहीं किया कहा कि समस्या की को समाधान, ये मतलब उसका हल पूरा का पूरा निकाल दिया, हमने कहा कि एक बड़ी समस्या से निकलने का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसका मार्ग तो प्रशस्त हो चुका है ना। एटलीस्ट हमें पता है कि हम ये चीज करेंगे तो ऐसा हो सकता है, एटलीस्ट एक प्रिवेंटिव मेजर, एटलीस्ट कुछ समय के लिए जो उस चीज को रोक के रख सकता है, उसका कुछ निदान निकाला जा सकता है। तो ये सब चीजें आपको इस प्रकार से लिखनी है। मनोरंजन और खेल जगत में भारत ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। अब देखिए, जो रिसेंटली भारत को ऑस्कर अवार्ड मिला है, ओलंपिक्स में भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, अब आप उसको मेंशन कर रहे हैं। ओलंपिक्स में भारत ने विभिन्न खेलों में अभी तक के सबसे अधिक मेडल प्राप्त किए हैं और फिल्म जगत में सबसे बड़ा ऑस्कर पुरस्कार भी प्राप्त किया है। और देखिए, अब आपको पहले से ही पता है कि हमारे पास लिखने के लिए बहुत कुछ है, तो आपने उदाहरण के लिए मतलब स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा, बस ये कहा कि हाँ, भारत को मतलब ऑस्कर अवार्ड मिला है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह केवल क्षणभंगुर विजय नहीं है, ये और भी महत्वपूर्ण है। देखिए आपके निबंध में, कि आपको क्या लगता है कि बस एक बार ऑस्कर मिल गया तो ये मतलब बात खत्म हो गई, ये तो सिर्फ एक ही बार मिला है ना, हमेशा थोड़ी ना। लेकिन अब आप वो स्पष्ट कर रहे हैं कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह केवल क्षणभंगुर विजय नहीं है, अपितु स्वर्णिम भारत के देश के युवाओं में नई ऊर्जा उत्साह भर देने वाला एक अतुलनीय अवसर है। अतुलनीय क्या होता है, जिसकी तुलना ना की जा सके, कि इतना मतलब कि महत्वपूर्ण है, एक अवसर है कि युवाओं को पता चल रहा है कि इस क्षेत्र में भी हम आगे जा सकते हैं। पहले इतने मतलब भारत को ओलंपिक में मेडल कहाँ मिलते थे, लेकिन आपने इस बार देखा कि विभिन्न विभिन्न खेलों में, ठीक है ना, कितने सारे मेडल्स मिले। तो इससे युवाओं को पता चलता है कि हमारे लिए आगे जाने के रास्ते ये भी हैं, आगे जाने के रास्ते ये भी हैं। आगे देखिए, अब उसके बाद आता है चिकित्सा हो गई, मनोरंजन हो गया, उसके एग्जाम्पल्स है हमारे पास। अगला आता है शिक्षा। शिक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण है, तो अशिक्षा के कलंक को, अब फिर वही बात, देखिए यहां पर पैराग्राफ खत्म हुआ तो हमने नया पैराग्राफ स्टार्ट किया, और वो भी यहां से, स्टार्टिंग से ही। और देखिए, सबके बीच में गैप प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है ना, स्पष्ट होना चाहिए मेन क्या है जो आपको लिखना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे यहां पर मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ। स्टूडेंट्स जैसे य और प लिख रहे हैं या म और भ लिख रहे हैं, तो देखिए कैसे लिखते हैं वो। य उन्होंने ऐसे लिखा, लेकिन फिर प उन्होंने ऐसे लिखा, तो ये तो सही है, लेकिन अगर वो य ऐसे करके लिखेंगे, ऐसे करके, ठीक है ना, तो अब आपको य और प में कोई अंतर नजर आ रहा है, प और य में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा।
तो उससे क्या होता है कि आपको अपनी जो हैंडराइटिंग है, मैं ये नहीं कह रही आपको मोती बरसाने हैं, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग स्पष्ट होनी चाहिए जिसे सामने वाले को पता चल सके आपने लिखा क्या है। इतनी क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। फिर अशिक्षा के कलंक को मिटाने का भी देश में अथक प्रयास हुआ है। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, प्रौढ़ शिक्षा जैसे आंदोलन भी चलते रहे हैं, देश भर में कई नए IIT और IIM खोलकर युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का उद्देश्य फलीभूत होता दिख रहा है। हमने ये नहीं कहा कि बहुत ही उन्नति कर ली है, लेकिन हमने कहा है कि बहुत सारे IIT और IIM खोलकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का जो उद्देश्य है, गुणवत्तापूर्ण अर्थात क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करना, उसका जो मतलब उद्देश्य है वो फलीभूत होता दिख रहा है कि उससे बहुत सुधार हुए हैं। नई शिक्षा नीति अब जो आई थी उसके लागू होने से शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन करने का प्रारंभ तो हुआ है, परंतु अभी भी अनेक संशोधन किए जाने शेष हैं। तो वही है कि आप मतलब साथ साथ बता रहे हैं कि इतना कुछ हो रहा है, आशावादी सोच आपकी, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, लेकिन साथ में आप ये भी लिख रहे हैं कि अभी ये पर्याप्त नहीं है, अभी और भी चीजें होनी शेष हैं। फिर मनोरंजन हो गया, शिक्षा हो गई, उसके बाद आपका क्या आता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारा भारत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी दृष्टि से भी विश्व के अनेक विकसित देशों की श्रेणी में आ गया है। साइकिल से लेकर अंतरिक्ष यान तक देश में बन रहे हैं। परमाणु विज्ञान, धातु विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, शस्त्र विज्ञान आदि पर निरंतर अनुसंधान हो रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में तो भारत ने सारे विश्व में अपनी धाक जमा ली है, ठीक है ना। आगे देखिए, हमारी अनेक कंपनियां विदेशों में नामी कंपनियों का अधिग्रहण कर रही हैं। कितनों को टेक ओवर किया है इंडियन कंपनीज ने, टाटा स्टील द्वारा कोरस का अधिग्रहण इस दिशा में उल्लेखनीय है। सॉफ्टवेयर व्यवसाय में तो भारत की धूम मची हुई है। निर्यात व्यापार में भी उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। विदेशी मुद्रा भंडार निरंतर बढ़ता जा रहा है। निवेश के लिए भारत विश्व भर में सबसे आकर्षक स्थान बनकर उभरा है। और यही सब देखते हुए भारत ने इस वर्ष G20 समिट का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया। तो देखिए, जितनी भी मतलब की आधुनिक जानकारी है वो सब आपने इसमें इंक्लूड की है, जिसे पता चले कि भारत में सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, हर प्रकार से विकास हो रहा है, खेलों के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि भारत केवल अपने अंदर ही विकास कर रहा है, पूरे विश्व में क्या कहते हैं उसकी जो धाक है वो जम रही है। और वो मैंने आपको बताया, उदाहरण आप बता सकते हैं, ओलंपिक में इंडिया जीत रहा है, कोरोना की वैक्सीन इंडिया ने बनाई और अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व को वितरित की। फिर अब आता है सुरक्षा का क्षेत्र, और याद रखिए ये कोई छोटा मोटा उद्योग नहीं है। सुरक्षा के क्षेत्र में भी भारत अब किसी से पीछे नहीं है। भारत की विदेश और सुरक्षा नीति के अद्भुत मिश्रण से, अब देखिए ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की विदेश और सुरक्षा नीति के अद्भुत मिश्रण से आज पूरा विश्व भारत से नए नए उपकरण खरीदने के लिए तत्पर है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत परंपरागत तथा नवीनतम अस्त्र शस्त्रों का निर्माण देश में हो रहा है। टैंक, रडार, मिसाइल, लड़ाकूयान, पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि, INS विक्रांत आदि प्रक्षेपास्त्रों का विकास देश को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त बना रहा है। हम विश्व की परमाणु शक्ति बहुत पहले ही बन चुके हैं। अमेरिका से हुआ परमाणु समझौता उल्लेखनीय था। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण भारत की बढ़ती सुरक्षा का व्यवस्था का प्रमाण है। फिर देखिए, अब आते हैं आर्थिक क्षेत्र पर। सामाजिक क्षेत्र हो गया, सुरक्षा का क्षेत्र हो गया, अब आते हैं आर्थिक क्षेत्र पर। और अगर आप चाहें तो आर्थिक को सबसे पहले भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि पहले इमोशन से जुड़ना है, भावनात्मक रूप से, कि पहले मतलब देश के लिए चिकित्सा कैसी है, अन्न जल पर्याप्त है या नहीं है, मनोरंजन का क्षेत्र। अब आते हैं हम आर्थिक क्षेत्र पर। ये देखिए, आर्थिक क्षेत्र में देश का शेयर बाजार आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। आपने देखा ना कि मतलब कहां से कहां तक पहुंच गया, और प्रतिदिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। गत वर्षों में आर्थिक प्रगति की दर अन्य विकसित और विकासशील देशों की तुलना में बहुत अच्छी रही है। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, हमने यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं दी। तो अगर आपको लगता है कि निबंध में आप फिगर्स लिखेंगे तो बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, प्रभाव पड़ता है, लेकिन तब अगर आपको संख्याओं का वास्तविक ज्ञान हो। अगर आपको रियल फिगर्स पता है, करंट फिगर्स पता है, तो अवश्य लिखिए, लेकिन अगर नहीं पता तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पर एक और चीज क्या लिखी कि जब हम विकास दर कह रहे हैं तो नो डाउट कोरोना के कारण विकास दर में कमी तो आई थी, लेकिन हमने क्या किया, एक चालाकी वाली बात लिखी कि गत वर्षों में आर्थिक प्रगति की दर
अन्य विकसित और विकासशील देशों की तुलना में बहुत अच्छी रही है। कि कोरोना के टाइम पे जब बड़े बड़े जो विकसित देश थे वो बिल्कुल उनकी अर्थव्यवस्था बैठ गई, ठीक है ना, वहां पे भारत अभी भी बना हुआ है, खड़ा हुआ है। विदेशी पूंजी का निवेश निरंतर बढ़ रहा है। ये सारे मानदंड देश के विकास को प्रमाणित करते हैं। कोरोना महामारी के बाद जब अमेरिका और यूरोपीय देशों में व्यापार में मंदी, महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, भारत में विकास दर ठीक बनी रहने की उम्मीद है। हमने ये कहा है ठीक बनी रहने की उम्मीद है, ये नहीं कि बहुत ही बड़ी ज्यादा विकास दर है, रियलिस्टिक बात करते हैं हम। यह भारत की एक अभूतपूर्व सफलता और मानवीय मूल्यों का प्रदर्शन ही है कि अपनी विकास दर सही रखने के साथ साथ भारत ने अपने पड़ोसी राज्यों को भी आर्थिक और सभी प्रकार की सहायता भी उपलब्ध करवाई। कोरोना के समय में अन्न, जल, कपड़े और अन्य आवश्यक सामग्रियों का निर्यात सतत रूप से होता रहा। सतत अर्थात रेगुलर रूप से, कंटिन्यूस बेसिस पर। आपने देखा ना, श्रीलंका को, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कितने सारे हमारे पड़ोसी राज्य थे, नेपाल, भूटान, सभी को हमने सहायता प्रदान की। अब यहां तक तो हमने सारी बातें कर ली, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। विकास की उपयुक्त छवि बड़ी मनमोहिनी है, किंतु विकास का यह प्रकाश अभी देश के लाखों गांवों तक पूरी तरह नहीं पहुंचा है। तो मेन क्या है कि आपने पहले तो अच्छी पिक्चर दिखा दी और सही चीज बताई भी, और इसमें कोई गलती भी नहीं है, लेकिन विकास का यह प्रकाश अभी देश के लाखों गांवों तक पूरी तरह नहीं पहुंचा है। विकास के मार्ग में अनेक ऐसे बाधक तत्व हैं जो विकास की धारा को जन जन तक नहीं पहुंचने देते। भ्रष्टाचार, जनसंख्या की वृद्धि, राष्ट्रीय भावना का क्षरण, जो कि आई गेस आपके सामने उदाहरण, जीवन मूल्यों के प्रति अनादर, विदेशी षड्यंत्र, बेरोजगारी, जातिवाद, सांप्रदायिकता आदि कारक हैं जो देश की प्रगति में बाधक बने हुए हैं। और इसमें कोई भी मतलब ऐसी वैसी बात नहीं है जो कि झूठ हो, बिल्कुल सही चीजें हैं, यही चीज तो बाधक तत्व हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि देश ने हर दिशा में विकास किया है, विश्व में भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है, किंतु अभी मंजिल दूर है। भारत के विकास में अभी भी सभी लोगों को समान लेकर चलने की आवश्यकता है। किसी भी राष्ट्र का विकास तब होता है जब उसके नागरिकों का पूर्ण रूप से विकास होता है, और भारत के पूर्ण विकास के लिए ज्यादा विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की, केवल शहरी विकास नहीं गांवों का विकास भी। अर्थशास्त्रियों ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कुछ मूल मंत्र सुझाए हैं, किंतु आज की कुटिल राजनीति, सत्ता लोलुपता और जनता का दिग्भ्रमित रूप इसे साकार होने देंगे, इसमें संदेह है। यानी कि आपने अंत कैसे किया है, एक प्रश्न से अंत किया है, आपने कुछ भी मतलब ऐसे एंड नहीं किया कि बस ये चीज खत्म हो गई, आपने सामने एक प्रश्न छोड़ा है कि ये जो जनता है, जो मतलब देश की कुटिल राजनीति है, सत्ता की लोलुपता है, ये लालच, लोलुपता लालच को कहा जाता है, और जनता का दिग्भ्रमित रूप, कि जो जनता है वो भ्रमित हो जाती है, कि जैसे अगर आपको कोई ऐसी मतलब की सुविधा दी जा रही है तो आप उसे ये लालच में आकर गलत सत्ता चुन लेते हैं, तो लोकतंत्र का आप मतलब की फायदा करने बजाय नुकसान कर रहे हैं। तो ये जो है अब वो इसे साकार होने देंगे, इसमें संदेह है। तो आपने कोई नकारात्मक बात भी नहीं की, लेकिन उस नकारात्मकता को दर्शा जरूर दिया। तो यही चीज, और देखिए अंत में भी जैसे यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हुआ तो यहां से हमने स्टार्ट किया और एंडिंग हमने यहां पर कर दी, काम खत्म। तो ये चीज है कि किस प्रकार से आपको निबंध जो है वो अपना पूर्ण करना है, समाप्त करना है। तो हमें आशा है कि आज का जो निबंध है वो आपके लिए अवश्य ही लाभदायक सिद्ध होगा, ठीक है। और अगली बार जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, उस वैसे तो वो हिंदी अनुवाद का होगा, लेकिन निबंध का जो भी हम अगला वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम प्रयास करेंगे कि आपके इस वीडियो पर जो भी कमेंट आते हैं उस अकॉर्डिंगली हम अपना अगला वीडियो बनाएं। और अगर आपको कोई अच्छे विषय लगे तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, उस पर भी हम आपके लिए निबंध अवश्य लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए हम यही आशा करते हैं कि आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।